हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और बहुत जल्दी झटपट बनने वाले ब्लूबेरी मफिन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और मैं बनाने वाली हूँ इनको आज विदाउट ओवन और ट्रोपोलाइट केक प्रीमिक्स से। मैं आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ब्लूबेरी मफिन बनाने वाली हूँ मैं इस पतीले में विदाउट ओवन, यानी कि इसको मैं 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो मैंने प्रीहीट होने के लिए पतीला रख दिया है। तो सबसे पहले मैं जो ये ब्लूबेरी हैं, देखिए इनको एकदम रूम टेम्परेचर पर लेना है, बिल्कुल फ्रिज की ठंडी एकदम से हमें ये यूज़ नहीं करनी है। तो पहले इनको रूम टेम्परेचर पर ले आएँ। और ये हैं पेपर कप लाइनर, यानी कि इसमें मैं मफिन बनाने वाली हूँ। ये थोड़े हार्ड होते हैं, जैसे कि हम टी या कॉफ़ी के लिए जो पेपर कप लेते हैं यूज एंड थ्रो वाले, उसी तरह से ये थोड़े हार्ड होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लिए हैं। और ये केक टिन लिया है मैंने जो है 8 इंच का, इसमें 6 कप केक बहुत ही आराम से बन जाते हैं। और अब मैं लूँगी ये ट्रोपोलाइट का ऑल टाइम केक मिक्स, ये वनीला फ्लेवर है और ये बहुत ही आसानी से इससे हम मफिन या कपकेक बना सकते हैं। तो मैं 1 कप केक मिक्स लेने वाली हूँ। 1 कप केक मिक्स से 6 कप केक बहुत आराम से बन जाते हैं। तो मैंने 1 कप प्रीमिक्स ले लिया है, ये देखिए 1 कप। और अब जो ब्लूबेरी हैं उनको मैं 1 टेबलस्पून इसमें ये केक मिक्स डाल के इसको अच्छे से कोट कर लूँगी, ताकि जब मफिन बेक होंगे तो ये एकदम से तली में ना बैठे। तो अब मैं इसको रख दूँगी साइड में, ये देखिए अच्छे से इस तरह से कोट कर लेनी है। और अब मैं डालूँगी इसमें 2 टेबलस्पून, मैंने ये बटर को मेल्ट कर लिया है तो ये 2 टेबलस्पून बटर इसमें मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी पाइनएप्पल फ्लेवर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है मफिन का। आप चाहें तो ब्लूबेरी या वनीला का भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें घर में पाइनएप्पल फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैं ये पाइनएप्पल एसेंस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं लूँगी ये पानी। तो पानी को याद रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करना है। मैंने 1/2 कप पानी लिया है, लेकिन 1/2 कप पानी इसमें नहीं लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है पानी, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके। और इसको अच्छे से एक लम्स फ्री बैटर बना लेना है। तो मैं इसको इस तरह से अच्छे से इसका बैटर बना लेती हूँ। और बैटर हमारा हो गया है तैयार। अब जो ब्लूबेरी हमने केक मिक्स से कोट करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए बैटर हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। देखिए कंसिस्टेंसी बैटर की ऐसी होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। और ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये ब्लूबेरी जो हमने केक मिक्स से कोट करके रखी हैं। और अब मैं इसको स्पैटुला से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको फोल्ड करूँगी, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको फोल्ड करना है, ये देखिए। और बैटर आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही पतला बैटर नहीं है, तो इसी तरह से आपको मफिन का बैटर बना के लेना है। और आप देखेंगे कि मेरा पानी, जैसे मैंने 1/2 कप लिया था पानी, तो देखिए इतना पानी मेरा ये बच गया है। तो जब भी आप मफिन का बैटर बनाएं तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। और अब बैटर हमारा हो गया है तैयार। तो मैंने ली है एक ये बड़ी स्पून, यानी कि बड़ा चमचा, और उससे मैं अब लाइनर में 1/2 फिल करूँगी, यानी कि इसको सिर्फ 1/2 ही फिल करना है, ताकि जब ये अच्छे से फूलें तो ये बाहर ना निकले। और आप इनको पतीले में, कढ़ाई में, कुकर में, जैसे मर्जी आप इनको बेक कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि 6 मफिन बनाने के लिए ये परफेक्ट मेज़रमेंट है और बहुत ही आसानी से विदाउट ओवन इनको आप बना सकते हैं। जिसके पास ओवन नहीं है तो वो भी आसानी से घर में इस तरह से मफिन या कपकेक बना सकते हैं। बस इस तरह से ये मोल्ड जो 8 इंच का है, तो इस टाइप से कोई भी आपके पास बड़ा बर्तन हो तो उसमें आप
अच्छे से मफिन या कपकेक बना सकते हैं घर में ही विदाउट ओवन। सारा का सारा आप देख ही रहे हैं कि अच्छे से मैंने इनको डाल दिया सारे बैटर को मोल्ड में, और अब मैं इनको थोड़ा सा टैप कर लूँगी 2 से 3 बार, और अच्छे से इनको मैं इस तरह से सेट करने के बाद, घर में ब्लूबेरी हमारे बहुत पसंद की जाती है तो मैं ऊपर से भी एक एक ब्लूबेरी इसमें और ऐड कर देती हूँ और डाल देती हूँ। तो लीजिए बेक करने के लिए हो गए हमारे मफिन तैयार, और पतीला भी प्री हीट हो चुका है अच्छे से। तो सावधानी से ढक्कन हटाएं और उसके बीच में अब रख दें अपने इस केक के टीन को, और अब हमें बेक करना है इनको 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। अगर आप OTG या ओवन में बेक कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने बेक होने रख दिए हैं ये, तो मेरे ये 22 मिनट हो चुके हैं। मैं 22 मिनट के बाद इसको चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए स्टिक एकदम क्लीन आई है, मफिन अच्छे से बेक हो चुकी हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से फूले हैं ये। और अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी, ये देखिए बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं, और अब मैं इनको ठंडा होने के बाद ही उस डिमोल्ड करूँगी। तो अब मैं इनको अच्छे से मैंने बाहर निकाल के इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो मफिन अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, डिमोल्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाते हैं, ये देखिए। और इसके ब्लूबेरी देखिए आप, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में, मेरे हफ्ते में 10 दिन में एक बार तो घर में ज़रूरी बन जाते हैं ये। और आप देख ही रहे हैं कि कितने सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए हैं, और अगर एक बार हाथ में लिया तो जब तक ना ख़त्म हो तब तक हाथ रुकता ही नहीं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी।